साहस सरोकार। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की दो बड़ी खबरों के, जिन पर सबकी है नजर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत आज हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सत्र शुरू होने से पहले जमकर प्रदर्शन किया। शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में सपा के विधायक विधानसभा के बाहर हाथों में तख्ती लेकर धरने पर बैठ गए। भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर भी पुलिस बल तैनात था। मार्शलों के साथ नोकझोंक भी हुई। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथ में तख्ती थामे हुए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक जाने की मांग पर अड़ गए। ग्रंथों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने के लिए फिर रहा है। पांडे, मन्नू अंसारी समेत समाजवादी पार्टी के सभी विधायक धरने में शामिल हुए। पुलिस सुरक्षा बल, विधानसभा के सुरक्षा कर्मी, मार्शल, पीएससी की भारी संख्या में तैनाती रही। शिवपाल यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था और जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन है। सपा विधायकों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मीडिया कर्मियों को वहां से दूर किया गया। वहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की तरफ से केवल मीडिया इवेंट बनाया जा रहा है। सपा अराजकता वाली पार्टी है। जो भी सवाल है, मुद्दे हैं, उसके लिए सदन के अंदर आकर चर्चा करें। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि सपा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक सदन चले, लेकिन इन सब से पहले सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। बीजेपी से कोई उम्मीद किसान क्यों करें? ये वही बीजेपी है जिसकी दो सरकारें हैं और 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद के लिए एक मंडी नहीं बनाई, ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1,00,000 करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वही संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, नीचे कर लीजिए। दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। हालांकि सरकार कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहाँ कोई घटना हो जाए। अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई। और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप? बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने, जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए, सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है। बजट प्रस्तुत होगा, इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। अन्य विधायी कार्य संपन्न होने हैं। माननीय विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। लोकतंत्र की
एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका, और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें, ये उनका अधिकार है। और सरकार का दायित्व है कि वह मान्य जन प्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को, बल्कि उसका उचित जवाब भी वहाँ पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है। तो आपने सुना कि जहां एक तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने को सरकार तैयार है, वहीं विपक्ष ने सरकार पर जमकर एक के बाद एक वार किए हैं। इतना ही नहीं, सपा विधायक तो साइकिल से भी पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। सुनते हैं आशुतोष सिन्हा को, जो वाराणसी से MLC है। साइकिल चलाते विधानसभा आ रहे हैं, इन लोग को घेरेंगे क्या? देखिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर आदमी पूरा प्रदेश, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, बेरोजगार हो, अधिवक्ता हो, शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, हर आदमी सरकार से परेशान हैरान है और कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और इस साइकिल की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं आज सदन में? देखिए, सदन में लगातार जिस तरह से बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह से गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है, लगातार इतने मुद्दे सरकार के खिलाफ, सरकार कोई काम नहीं कर पाई। पूरा विफल इसका कार्यकाल की शुरुआत से 2017 से लेके अब 2022 तक का जो कार्यकाल एकदम असफल था। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी आज आसपास दिखेंगे सदन में, क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी शिवपाल जी? रोल आज बजट सत्र का पहला दिन था, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि जिस तरीके से महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हम लोग सदन में मुद्दा उठाने गए थे, वहीं पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें रोका गया है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। बजट सत्र का आज पहला दिन था। बता दें कि आज बजट सत्र का पहला दिन था। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव जुड़ेंगे। गौरव, देखा जाए बजट सत्र का आज पहला दिन था और सदन से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा हुआ है, विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है। लेकिन नंदिनी, ये सोचा ही जा रहा था कि सपा इस बार पूरी तरह से सुन दिया जाए और सपा की रणनीति है कि सदन में सत्ता पक्ष को घेरा जाए और उसको पूरी तरह से अमल करते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा के तहत, एजेंडा के तहत सरकार को घेरा गया है। आज पहला दिन था और आज आनंदीबेन पाटिल की राज्यपाल उत्तर प्रदेश की का अभिभाषण रहा, उसके अभिभाषण के पहले जहाँ पर लगातार देख रहे तख्तियां लेकर विधानसभा के बाहर भी, विधानसभा के अंदर भी तमाम तरह की जिससे तख्तियां ली जा रही थी और यहाँ पर जो विपक्ष है वो हंगामे करता रहा और इसी की उम्मीद जताई जा रही थी। और सरकार का, हालांकि सरकार का कहना ये था कि सर्वदलीय बैठक में भी हमने कहा था कि हिदायत दी थी कि कम से कम सत्र को चलने दिया जाए बेहतर तरीके से, आपके सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, पर कम से कम अगर हंगामा नहीं रहेगा तो कम से कम सारी जो प्रक्रिया है सदन की वो चलती रहेगी। और जैसा कि हमेशा हम देखते आए हैं कि उत्तर प्रदेश जब भी सत्र होता है तो हंगामा जरूर होता है, वही शुरुआत आज भी पुनरावृत्ति हुई। आज भी यहाँ पर
जिस तरह से बवाल हुआ है वो एक बात स्पष्ट करता कि सदन सत्र कोई भी हो, चाहे देश की संसद का सत्र हो, चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे विधान परिषद की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें, हमेशा पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ता है और यहाँ भी हंगामे की भेंट ही चढ़ा है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से बात हो पाती तो शायद कुछ बेहतर विकल्प यहाँ पर होता, पर चूंकि विपक्ष को यहाँ मौका मिला और विपक्ष यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए कोई कुरकसर छोड़ना नहीं चाहती। गौरव, देखा जाए तो एक तरफ से पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हर मुद्दे पर हम सदन में बैठकर बात करेंगे, वहीं विपक्ष कह रहा है कि वो किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं तैयार है। वहीं पर शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें चौधरी सिंह चरण सिंह के मल्यार्पण करने पर रोका गया है। देखिए, शिवपाल सिंह यादव का अपना कहना है कि रोका गया है। शिवपाल सिंह यादव अगर देखा जाए, जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने, जब से अखिलेश यादव को बगल में बैठने को उनको दोबारा मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं अब उनको यहाँ पर नेतृत्व करने का लिए कहा गया और यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव एक अनुभवी नेता की तरह नेतृत्व कर रहे हैं। विधायकों से धरने पर ही बैठे, उसके धरने के बाद वो लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लगातार आरोप ही लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बातें नहीं करना चाहती है और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिसकी एक आधारशिला होती है, संघर्ष करती है धरातल पर, वो संघर्ष अभी तक जब से सरकार दोबारा कार्यकाल में है, जो बीजेपी सरकार उसके बाद संघर्ष की बात कर, संघर्ष सड़क पर देखने को नहीं मिला। और निश्चित रूप से विधानसभा सत्र में अगर बात करें, शीतकालीन सत्र की बात करें या आपका मानसिक सत्र की बात करें, वहां पर भी सपा द्वारा वहां पर कोशिश की गई थी कि सरकार घिरा जाए। और फिलहाल सत्र ये जगह बन चुकी है जहां पर विधानसभा जगह बन चुकी है जहां पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, धरातली संघर्ष कम दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ पर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में यहाँ पर निभा रही है और सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। शिवपाल सिंह यादव को वहां पर मल्यार्पण करने से रोका गया। उनका कहना है कि हम मल्यार्पण करने जा रहे हैं, जहां पर भीड़ थी और वहां पर अव्यवस्था इस तरह फैली हुई थी, जिसको लेकर जब वहां पर कवरेज करने मीडिया के साथी भी गए तो वहां उनको भी रोका गया, उनके साथ भी धक्का मुक्की की हुई, तो तमाम तरह की अव्यवस्था वहां पर रही। और निश्चित रूप से विपक्ष की मनोधारणा रहती है कि सरकार को घेरना है और सरकार की भी मंशा रहती है कि सत्र यानी बेहतर रूप से सत्र चले। गौरव, देखा जाए इस सदन के हंगामे में आज पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई है। जी, पत्रकारों को जो धक्का मुक्की की गई है, बितरा की गई है, क्योंकि ये वीडियो भी प्रचारित हुए थे और कहा जा रहा था कि जो वहाँ के मार्शल हैं विधानसभा के, उनके धक्का मुक्की की गई है, उनको रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, पत्रकारों ये पहली बार देश के इतिहास बसा हुआ है जब कोई सत्र चलता है वहाँ पत्रकारों को अलग किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गलत संदेश यहाँ पर जाता है। अगर सरकार है तो उसको व्यवस्था करना चाहिए। अगर मीडिया को रोका जा रहा है, उसका कारण क्या है? और निश्चित रूप से अगर मीडिया के बीच में इस तरह की एक खराब संदेश जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे जो भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था भी वो भी खराब रहेगी। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र है, उसकी गरिमा को भी आज ठेस पहुंचती नजर आएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो वहीं पर सड़क से सदन तक आज पूरे हंगामे की भेंट चढ़ गई है। बजट सत्र का आज पहला दिन था, उत्तर प्रदेश बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें आज बजट का पहला सत्र का पहला दिन था जिसमें जमकर हंगामा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने पूरी तैयारी करके सरकार को घेरने की कोशिश की है। हमारी सरकार सभी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। एसआईटी की जांच चल रही है, हम कड़ी सजा देंगे, किसी को भी नहीं रखेंगे, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग या कोई सामान्य व्यक्ति, किसी को भी कानून तोड़ने की बाध्य नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, उनको हर संभव मदद हम कर रहे हैं। जो सदन के अंदर आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हंगामा था, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। वो हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ही नहीं, वो एक महिला भी है। तो समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र भी उजागर हुआ है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हंगामा ही उनका मुद्दा है। हंगामा करना, बवाल करना और कोई बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए हमारी सरकार सभी घटनाओं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आज से यानी 20 फरवरी 2023 से 1,00,000 से ज्यादा शिक्षामित प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये प्रदर्शन लखनऊ के रामाबाई मैदान में हो रहा है। पिछले कई साल से शिक्षामित नियमितीकरण मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर शिक्षामित्र आंदोलन कर रहे हैं। अब उनका प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन हो रहा है।
रमाबाई अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र जुट रहे हैं, जहां वह अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आए हुए हैं। प्रदेश के दूर दराज जिलों से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र बस, ट्रेन और अपने निजी वाहन से रविवार को ही लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि लखनऊ में ये शिक्षा मित्र का प्रदर्शन चल रहा है। बता दें कि परिवार संघ हजारों की संख्या में वहां शिक्षा मित्र पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ेंगे। सागर, देखा जाए तो 1.25 लाख से अधिक शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन के लिए शामिल हो रहे हैं। आपको बता दूं कि शिक्षा मित्र का मेला था, जिसमें यूपी के 75 जिलों से तमाम शिक्षा मित्र आए थे और इनकी तकरीबन संख्या 1,70,000 से ऊपर है। और इनकी एक मांगे थी जो नियमितीकरण को करने को लेकर, इस वजह से ये लोग महासम्मेलन किए हैं। और तमाम जो शिक्षा मित्र हैं, और यहाँ पर मंत्री कौशल किशोर भी यहाँ पहुंचे थे, उसके साथ संदीप बंसल भी थे, तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, तमाम वरिष्ठ शिक्षा मित्र थे, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार के कार्यों की बहुत ही प्रशंसा की। और साथ ये भी बताया कि सरकार ने जो शिक्षा मित्रों के लिए किया है फिलहाल, वो बहुत ही बेहतर कार्य किया है, क्योंकि इनका जो मानदेय हुआ करता था वो 3,000 से 3,500 हुआ करता था, लेकिन सरकार के आने के बाद इनका मानदेय 10,000 हो गया है। लेकिन वहीं हमने कुछ शिक्षा मित्रों से बात करी तो इनका साफ साफ कहना था कि 10,000 में वो अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे और साथ ही कैसे पढ़ाएंगे और कैसे वो खुद खाएंगे, क्योंकि उनके पास एक विकल्प है केवल शिक्षा मित्र का, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो सरकार ने उसे उन्हें आश्वासन दिया है। जो कौशल किशोर है, सांसद है लखनऊ के और मंत्री भी है, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्दी शिक्षा मित्रों की जो समस्या है उसका निदान निकाला जाएगा। और 2024 से पहले उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर दौड़ेगी और वो सरकार के साथ जैसे पहले थे वैसे फिर से रहेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों का साथ साथ ये रोष था कि उन्हें वो मानदेय नहीं मिल पा रहा जो, जिस वजह से उनका घर चल पाए, उनका भरण पोषण हो पाए, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो 10,000 में नहीं हो पाती। तो इस वजह से शिक्षा मित्रों ने यहाँ आवाज उठाई थी। महासम्मेलन की बहुत बड़ी आगाज है आज, यहाँ पर लाखों सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र तैनात थे, क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत हमने खुद जाके वहां पर कवर किया है और देखा है कि शिक्षा मित्रों में एक उत्साह था, क्योंकि कड़ी धूप में तकरीबन 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर में भी शिक्षा मित्र वहां पर पहुंचे थे और धूप में बैठे हुए थे। साफ साफ उनका ये कहना था कि वो सरकार से अपनी मांगे बनवाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि सरकार ने इस बात में बहुत ढील कर दी, क्योंकि मामला ये आज का नहीं, मामला 2001 का, जब से उन्हें यहाँ पर मानदेय मिला था, उनकी उनके उनकी तैनाती हुई थी, उसके बाद से मामला चल रहा है। लेकिन तमाम चीजें हैं, आज 21 साल होने को है, लेकिन आज तक शिक्षा मित्रों के खिलाफ, शिक्षा मित्रों के लिए, माफ कीजिएगा, शिक्षा मित्रों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई या फिर ऐसा कुछ नहीं आया कि उन्हें बहुत ही बेहतर फील हो, बहुत ही बेहतर महसूस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ भी हैं। और साथ साथ उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बातों को मानती, उनके मानदेय को मानती, जो भी उनकी जो भी जरूरत की चीजें हैं जो उनको अगर सुनती है, सुनवाई करती है, तो वो उम्मीद करते हैं कि 2024 में भी मोदी सरकार सबसे केंद्र में आ पाएगी। जी सागर, देखा जाए तो भारी संख्या में वहां पर शिक्षा मित्र पहुंचे हुए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो क्या कोई दिग्गज नेता, क्या कोई बड़ी पार्टी से कोई नेता वहां पर पहुंचा उन्हें आश्वासन देने के लिए, या क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, आपको बता दो कि जो शिक्षा मित्र का जो मैटर है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है, और दोनों जगह पर यहाँ पर भाजपा की सरकार है। तो सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर पहुंचे थे और तमाम वरिष्ठ दिग्गज जो नेता है वो यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी, उन्हें सरस्वती वंदन से शुरुआत करी, माल्यार्पण किया और बहुत ही बेहतर तरीके से शिक्षा मित्रों की बात सुनी। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी निदान की जाएगी, क्योंकि समस्या आज से नहीं चली आ रही है, विगत कई वर्षों से चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि शिक्षा मित्रों में भी एक कौशल किशोर की बातों को लेकर और उनकी छवि को लेकर एक बहुत ही बेहतर उम्मीद है। और मुझे लगता है कि शायद इस बड़े महासम्मेलन के बाद कुछ ना कुछ अलग सा होने वाला होगा, क्योंकि 1,70,000 से अधिक शिक्षा मित्र हैं यूपी में, और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा साबित होता है। जी जी
सागर, देखा जाए तो जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ लगता है कि शिक्षा मित्रों के लिए इसमें कुछ किया जाएगा? देखिए, शुरुआत हुई आज हंगामे से शुरुआत हुई। इसमें जो सपा के विधायक थे उन्होंने हंगामा किया, उसके बाद मीडिया कवरेज करने गई, मीडिया को भी वहां से रोका गया, धक्का मुक्की की गई, क्योंकि सपा विधायकों का ये साफ साफ कहना था कि लोकतंत्र में आजादी के बाद ये शायद ऐसी पहली घटना है जो विधानसभा परिसर में मीडिया के साथ एक बदतमीजी की गई, जो मीडिया कर्मी उन्हें धक्का मुक्का दिया गया। तो इस वजह से जो वहां पे जो होते हैं लोग सिक्योरिटी में, उन्हें मीडिया के कर्मियों ने घेर लिया, उनसे सवाल जवाब किया, लेकिन वो उनके सवाल जवाब काफी टेढ़े मेढ़े साबित हो रहे थे। और मुझे लगता है कि बजट सत्र में शिक्षा मित्र के व्यवहार में भी सोचा जाएगा, क्योंकि कौशल किशोर ने साफ सभी बयान दिया है कि शिक्षा मित्र जो है बहुत ही अहम हिस्सा है और उनके बारे में सोचा जाएगा। सरकार उनके बारे में, उनके लिए बहुत कुछ ऐसा करेगी कि वो अब तक जो प्रफुल्लित नहीं हो पाए वो प्रफुल्लित हो सके। महासम्मेलन में 1,25,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति रह सकती है उनकी? जी, आपको साफ साफ बता दूं कि अभी हमने कई लोगों से बात करी थी, कई लोगों से उनकी राय जानी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सभी शिक्षा मित्र जो आए हैं अलग अलग यूपी के तमाम जिलों से, कोई संभल से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई पूरब से आया, तो कहीं ना कहीं बहुत दूर से लोग आए लखनऊ में, और लखनऊ में तादाद काफी अच्छी खासी थी। हमने भी देखी, हमने मीडिया के कैमरे की तरफ से दिखाया उनको, क्राइम टीवी ने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर एक हुजूम उमड़ा हुआ है, हुजूम है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्साह भी है कि शायद उनके लिए कुछ ऐसी योजना ला पाए सरकार कि उनका और उनके परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से भला हो पाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। अधिवेशन में शिक्षा मित्रों के हुजूम को देखते हुए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था भी देखी गई है। सरकार और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी संगठनों के 2,000 पदाधिकारी वॉलेंटियर बनाए गए हैं। तमाम और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु भी जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन किया जा रहा है, लाखों की तादाद में वहां पर शिक्षा मित्र पहुंचे हुए हैं। राजधानी लखनऊ के रमाबाई पार्क में आज एक लखनऊ के रमाबाई पार्क में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर से शिक्षा मित्र सम्मिलित हुए हैं। अगर बात की जाए तो इन शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर जो मांग है उसमें नियमितीकरण, यानी कि उनकी जो नौकरी है उसको परमानेंट किया जाए, और कई ऐसी मांगों को लेकर आज राजधानी लखनऊ में उतरे हुए हैं। अगर बात करें तो लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी है जो आपके इस कार्य को कर रहे हैं लंबे अरसे से, वो अपने नौकरी को अगर देखे तो परमानेंट चाहते हैं, और साथ ही साथ अपने पेंशन जो उनको सैलरी मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ पेंशन योजना की भी मांग कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में आज तमाम जो शिक्षा मित्र है वो राजधानी लखनऊ आए, उनका अगर देखे तो वो इसमें कई सारे ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साथ रमाबाई पार्क में पहुंच कर और अपनी मांगों को मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि साफ तौर से अगर देखे तो उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, और आज विधानसभा का पहला दिन था, इसमें साफ तौर से वो संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मामले को कहीं ना कहीं विपक्ष सदन की पटल से उठाए और हमें नियमितीकरण के तहत परमानेंट किया जाए। जी जी, विभाषु, जिस तरीके से 1,25,000 से अधिक महासम्मेलन में शिक्षा मित्र पहुंचे हुए हैं, आपने बताया कि बजट सत्र की आज शुरुआत हुई है, क्या लगता है सरकार क्या कदम उठा सकती है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखा जाए तो अभी सदन की कार्रवाई चल रही, आज पहला दिन था, अगर देखे तो विपक्ष मामले को लेकर जरूर सदन में सवाल पूछेगा, और सरकार भी अगर बात करे तो होली से पहले ही शिक्षा मित्रों को एक तोहफा दे चुकी है, जिसमें अगर देखा जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जो भी शिक्षा मित्र है वो 60 साल तक नौकरी कर सकेंगे, तो 60 सालों तक उनकी नौकरी तय की गई है, मगर इससे परमानेंट यानी कि नियमितीकरण के तहत उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है, और जो अन्य अध्यापक है जो अन्य जगहों पे अन्य पोस्टों पे है अन्य माध्यमों से, उनको शिक्षा मित्रों की अगर तुलना में देखे तो कहीं ना कहीं उनकी आरोप है कि सरकार हमारे साथ कहीं ना कहीं जो उनका
सरकार की तरफ से तमाम विशेष सुविधाएं दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं हमको लाभान्वित होने के मौके से छूट हो गया है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। दोपहर की 2 बजे की 2 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।